वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो मैक्सिकन लीग का मैच हो रहा है एटलस फोर्सेस लियोन के बीच 9 घंटे 54 मिनट के बाद गाइस। तो ये है मेरे टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। ये सुबह होगा मैच, मतलब अभी इतनी जल्दी नहीं, सुबह सुबह मैच होगा ये, लगभग आप मान के चलो कि या अर्ली मॉर्निंग मैच है। तो गाइस हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। दूसरी बात, यही मेरा टेलीग्राम चैनल है गाइस, बी अवेयर फ्रॉम अनदर फेक चैनल फ्रॉम माई नेम, ओनली एंड ओनली दिस इज़ माई ओरिजिनल चैनल। तो चलते हैं आगे, बात करूँगा मैं इस मैच की। तो यहाँ पर मैं लियोन के फेवर में टीम बना रहा हूँ। एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, लेकिन यार देखो यार, एटलस टीम पिछले साल रैंकिंग में अच्छी थी, लेकिन आप लियोन को कैसे भूल सकते हो यार। एक बार तो टॉप पे लियोन भी थी, रैंकिंग में थर्ड पोजीशन पे थी ये स्टैंडिंग्स में लास्ट सीजन। तो उस चीज़ को मतलब नज़रअंदाज मत करो ठीक है। तो लियोन के भी मेन प्लेयर्स हैं जो गोल मारने की क्षमता रखते हैं, अच्छे खासे गोल करने की। तो बात करूँ गोल कीपर की, देन फर्स्ट ऑफ ऑल कैमिलो को लूँगा। देखो कैमिलो को लेना गलत डिसीज़न नहीं है, एक्चुअली सेफ डिसीजन है, मेरे नज़रिए से सेफ डिसीज़न है ये लेना। एंड आगे से बात करें रॉड्रिगुस की, देन कई लोग और रॉड्रिगुस की जगह डी बारावासा को ट्राई करेंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं लियोन के अगर मैं फेवर में हूँ तो मैं नेचुरली डिफेंडिंग भी तो लियोन की लूँगा। तो यहाँ पर मैं आगे से जो दूसरा प्लेयर ले रहा हूँ वो है विलियम टैसिलो एंड और रॉड्रिगुस, तो मेरी नज़र में तो मेरे मेन प्लेयर हैं आज के मैच में। बाकी सेंटा मारियो को मैंने ट्राई कर लिया, यहाँ से मैंने नीचे से एक मेन प्लेयर छोड़ दिया था, मेन नहीं एक रिस्की प्लेयर छोड़ दिया था और उसकी जगह मेन प्लेयर ले लिया था। एंड आगे से बात करें एस ब्रेरो की, देन ब्रेरो को यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। पिछले मैच में टिगर्स के खिलाफ ये 90 मिनट पूरा खेला था, इसका तो गोल होने लगा था पिछले मैच में, गोल होता होता रह गया। नहीं तो इस प्लेयर का जितने कल आप पॉइंट देख रहे हो ना, पिछले मैच में इस बंदे ने 18 पॉइंट दे रखे ना, 18 से कम 60-70 पॉइंट होते इस प्लेयर के, गोल होने लगा था इसका। एंड आगे से बात करें एंजल मीना की, एंजल मीना पता है नेशनल टीम में क्या खेल करता है ये, एक एंजल मीना और एक एलेजेंड्रो मीना क्या खेल करते हैं। और ये जब मैक्सिको से खेलते हैं ना तो सामने वाली टीम सिर्फ देखती है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूँ, कभी भी एक टीम के भरोसे मत रहो। मतलब आपको बता दूँ कि पिछला जो कल मैच हुआ मैक्सिको का, उसमें रॉल जिमेनेस नहीं था, लोजानो नहीं था, बड़े बड़े प्लेयर्स नहीं थे। जबकि अगर मैं आपको बात करूं तो एंजल मीना, जब ये देखो जब आज की लीग में ये खेल रहा है, चलो मैं आपको नेचुरली बताता हूं कि अगर आप देखा जाए तो ये जो जिस लीग में है ये है मैक्सिकन लीग। अगर मान लो मैक्सिको इसकी नेशनल सिटी हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन ये जिस भी नेशनलिटी से खेलता होगा धूम मचा देता होगा। जे मैनेसिस की बात करूँ, जी एन मैनेसिस को लूँगा। जी एन मैनेसिस वाइस कैप्टन रखने की सोच रहा था, जब मैंने रिकॉर्ड उसके मुकाबले दूसरे स्ट्राइकर का देखा तो मन बदल दिया। एंड आगे से बात करूँ रोचा की, यहाँ पर लूँगा एल्डो रोचा को। एल्डो रोचा यहाँ पर मैं ज़रूर लूँगा भाई, मेन प्लेयर नहीं है फिर भी लूँगा, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट इशू है, आधे क्रेडिट से मात खा गया, नहीं तो मैं एल्ड्रियस के साथ जा रहा था। एंड आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, यहाँ पर है जूलियन क्विनोन्स को यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। वाइस कैप्टन रहेगा ये सबका, बट मेरा वाइस कैप्टन है फर्च, उल्टा फर्च सबका कैप्टन है, बट मैं रिस्क ले रहा हूँ ना बहुत बड़ा। एंड वी डेविला की बात करूँ, क्रेडिट बचाने के चक्कर में कई लोग वी डेविला को ड्रॉप करेंगे, बट गाइज मैं आपको राय दूंगा मत करो यार, क्योंकि स्ट्राइकर का क्या पता कब हो जाए, तीन तीन स्ट्राइकर लेने का मतलब ही रिस्क होता है। तो बाकी जिन्होंने नहीं लेना ये रिस्क, तो इसकी जगह आप एलरियस को ले सकते हो, मैं फिर बोल रहा हूँ आप इसकी जगह एलरियस को ले सकते हो जिन्होंने रिस्क नहीं लेना, बट मैं लूँगा। आगे से बात करूँ कैप्टन की, कैप्टन है एंजल मीना, वाइस कैप्टन है जे फर्स्ट। तो ये मेरी टीम, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।